अवैध संबंध का विरोध पड़ा भारी। पति ने पत्नी और बेटी की हत्या की। शव छोड़कर फरार हुआ आरोपी। अपने ही बेटी और पत्नी की जघन्य हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी पति ससुराल भाग गया, लेकिन उसके गुनाहों का हिसाब करने के लिए पुलिस अब तलाश कर रही है। मामला नालंदा का है, जहां एक पत्नी को अपने पति के अवैध संबंध का विरोध करना भारी पड़ गया। अस्थावा थाना क्षेत्र के जियर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इसी गांव में प्रदीप पासवान नाम का एक व्यक्ति रहता है। उसका किसी और महिला से अवैध संबंध था, जिसका पत्नी ने विरोध किया तो उसके गुस्से के शोले भड़क गए और फिर पत्नी के साथ अपने एक साल की बेटी की बेरहमी से हत्या कर दी। उसी में गला दबा कर हत्या किया है। उसी में दे को मार दिया, फांसी लगा के बउआ को भी। बउआ कैसे मारा? बउआ को भी मार दिया, फांसी लगा के। अच्छा ये बता बाबू, इनका संबंध कहाँ चल रहा था, कैसे चल रहा था? मतलब गाँव के घर उतर के मारने लगता था। अच्छा और ऐसा कुछ था? और ऐसे बात करता था। विरोध करते थे क्या? दीदी बोलते थे। वही हत्या के बाद आरोपी ने दोनों शवों को छोड़ दिया और अपने ससुराल फरार हो गया। उधर हत्या की खबर मिलने पर पुलिस ने दोनों शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया है। वहीं आरोपी शख्स ससुराल से भी फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि प्रदीप का किसी महिला से अवैध संबंध है, इसका विरोध उसकी पत्नी करती थी। दोनों में अक्सर लड़ाई होती थी। मंगलवार की रात दोनों के बीच मारपीट हुई, इसके बाद पति ने पत्नी की गला दबाकर और बच्ची को पटक पटक कर मार डाला। वहीं पुलिस अब आरोपी की तलाश में जुट गई है। ऋषिकेश, नालंदा।